हमने अभी देखा कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट के लिए और प्रोविजनिंग के लिए क्लाउड के रिसोर्सेज की इंटरनेट किस कदर इम्पोर्टेंट है। हमने उससे पहले नेटवर्क के बारे में भी बहुत सारी जो फंडामेंटल्स हैं हमने उसको गो थ्रू किया है। आइए हम ज़रा कंप्यूटर हार्डवेयर की तरफ और दीगर जो कंप्यूटेशनल जो फैसिलिटीज़ हैं या जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको भी देख लें कि आज जिस मुकाम पे हम दुनिया में खड़े हुए हैं इस तक टेक्नोलॉजी जो है उसने किस तरह से सफ़र किया। मुख्तसरन अगर हम जायज़ा लें तो हम इसको स्केलेबल कंप्यूटिंग ओवर इंटरनेट के टॉपिक के अंडर कवर कर रहे हैं। स्केलेबिलिटी का मतलब यह है कि डायनेमिकली जैसे ही आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो तो वो रिसोर्सेज आपको मिल जाएं, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बेसिक जो फीचर है वो ये है। तो उन रिसोर्सेज में क्या है, प्रोसेसिंग है, मेमोरी है, बैंडविड्थ है, स्टोरेज वगैरह है, कि जैसे ही ज़रूरत पड़े ये रिसोर्सेज अवेलेबल कर दिए जाएं। अब ये रिसोर्सेज अगर होंगे तो अवेलेबल होंगे, तो क्या पॉसिबल है कि इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके? आइए देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। यूजर्स और यूजर की जो डिमांड है वो जो बढ़ती ही रहती है इंटरनेट के ऊपर, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो नेटवर्क कंप्यूटिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो भी इसके साथ साथ ग्रो करती रहती हैं। यानी जैसे जैसे यूजर्स की डिमांड बढ़ती है उसी तरह से ही जो टेक्नोलॉजी है वो भी उनको वो डिमांड उसकी पूरी करने के लिए वो भी आगे एक कदम आगे बढ़ जाती है। कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो कंप्यूटिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अगर 1950 से आज तक देखें तो मेन फ्रेम चलते रहे हैं। मेन फ्रेम भी हम देख चुके हैं कि जो बहुत बड़े पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स, ये दौर आया जो 1960 से 1980 तक का। फिर ये जो कंप्यूटर्स हैं ये पर्सनल कंप्यूटर्स में जो है आ गए उसके बाद 1970s से ऑनवर्ड, और फिर ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स आ गए। यानी हर एक बंदे के पास ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं जो आज की दुनिया में जो मोबाइल फोन इवन कैरी कर रहा है वो अपने साथ एक कंप्यूटर कैरी कर रहा है। तो कंप्यूटर्स तो हर जगह पे अवेलेबल हैं। अब ये देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से हम देखें, अभी हमने बात की यूजर्स और जो है हार्डवेयर के बारे में। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में के हिसाब से अगर हम देखें तो सिंस 1980s द हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, यानी जिसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए ऐसी जो कंप्यूटिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं, और हाई थ्रोपुट कंप्यूटिंग जो कि HTC यानी के जो बहुत ज्यादा कंप्यूटेशंस अकॉर्डिंग टू यूनिट ऑफ टाइम जो है वो प्रोवाइड की जा सकें, कैसी जो कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनके जो क्लस्टर्स और ग्रिड के ऊपर जो है वो रिलाय कर रहे हैं कर्से से, और अब इंटरनेट क्लाउड के ऊपर वो जो है शिफ्ट हो गए हुए हैं। हमने क्लस्टर्स भी देखे कि जो डिफरेंट जो छोटे आम कंप्यूटर से मिलके जो हैं वो बनते हैं और बहुत ज़्यादा मासिव जो है वो प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड करते हैं। हमने देखा ग्रिड जो हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर जो रिमोट कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट होकर हमें प्रोविजन कहते हैं, और अब हम क्लाउड को देख रहे हैं कि क्लाउड में जो इंटरनेट ही यूज़ करते हुए हम जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के भी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं और हाई थ्रोपुट कंप्यूटिंग के भी हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जहाँ हमने देखा है कि क्लस्टर्स की बात आई है तो सुपर कंप्यूटर्स जो हैं उनकी जो स्पीड है वो गीगा फ्लॉप से 1990s में पीटा फ्लॉप तक जो है वो 2010 में जो है वो चेंज हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो फास्ट हो गए हैं कंप्यूटर हमारे पास। द नेटवर्क बैंडविड्थ की, अगर नेटवर्क की बैंडविड्थ की बात करें तो वो कुछ सालों से गिल्डर्स लॉ को फॉलो करते हुए हर साल डबल होती रही है। प्रोसेसर स्पीड की अगर हम बात करें, यानी जो हमारे पास कंप्यूटिंग कैपेसिटी है आज के दौर में, अगर हम बात करें तो कुछ अर्सा पहले तक ये मूर्स लॉ फॉलो करती रही थी प्रोसेसिंग स्पीड, जो कि ताकि हर 18 महीनों के बाद जो है ये प्रोसेसिंग स्पीड डबल हो जाती है। अगरचे अब जो मूर्स लॉ फॉलो नहीं किया जाता, मीन्स दैट देर हैज़ बीन अ स्टेडी ग्रोथ इन दीज टेक्नोलॉजीज। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से यूज़र की डिमांड बढ़ रही हैं उसी तरह से ये टेक्नोलॉजीज भी ग्रो कर रही हैं। एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना अगर हो तो वो फाइन ग्रेन
और पैरेललिज्म या कोर्स ग्रेन पैरेललिज्म उसको कहते हैं, वो भी पॉसिबल है। आज के जो दौर के कंप्यूटर्स हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। यूबीक्विटस कंप्यूटिंग जो है, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये भी पॉसिबल है। यूबीक्विटस कंप्यूटिंग क्या है? इट इज़ अ कंप्यूटिंग विच वट रेफर्स टू कंप्यूटिंग एट एनी प्लेस एंड टाइम यूजिंग परवेसिव डिवाइसेज एंड वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन। हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेज अवेलेबल हैं कंप्यूटिंग की, हम वायर या वायरलेस से कनेक्टिविटी लेते हैं और हम जो है किसी भी जगह पे हम जो है कंप्यूटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। यूटिलिटी कंप्यूटिंग की जब हम बात करते हैं तो यूटिलिटी कंप्यूटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसके जिसमें आप एक बिजनेस मॉडल जो है ये यूटिलिटी कंप्यूटिंग जो है फॉलो करता है, उसके तहत द कस्टमर पे फॉर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज फ्रॉम अ प्रोवाइडर। अब हमारे पास ये चीज आई कि जो हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी इस हद तक बढ़ गई है कि हमारे पास अब पीटाफ्लॉप्स तक जो है वो कंप्यूटेशनल पावर अवेलेबल है, नेटवर्क बैंडविड्थ इजीली अवेलेबल है, हम नेटवर्क को यूज करते हुए यूबीक्विटस जो है कंप्यूटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि हम फिर इसको यूटिलिटी कंप्यूटिंग के लिए जो है वो जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम इम्प्लीमेंट करें। यानी कि हम कहने का मतलब यह है कि हम एक क्लाउड को कि जितने भी कंसेप्चुअली जो कंसेप्चुअल डेफिनेशंस हमने उसकी देखी हैं वो सारी पॉसिबल हैं। और इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से इज क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स यूबीक्विटस यूटिलिटी कंप्यूटिंग। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो यूबीक्विटस हर जगह पे पहुंचने वाली हर जगह से दस्तियाब जो कंप्यूटिंग है वो यूटिलिटी के तौर पे यानी चार्ज के अगेंस्ट या पैसों के अगेंस्ट वो प्रोवाइड करता है।